हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी एक और फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने राजस्थान स्टाफ नर्स वैकेंसी 2018 का फॉर्म फिलअप किया था। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नर्स ग्रेड सेकेंड भर्ती 2018 की अंतिम वरीयता सूची है वो जारी कर दी है। तो अभी मैंने राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर रखी है और इसमें होम पेज पे ऊपर ही ऊपर दिया गया नर्स श्रेणी सेकंड अनुसूचित क्षेत्र, ये जो मेरिट लिस्ट जारी की है ये टीएसपी क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जारी की गई है। तो इस पे आपको क्लिक करके लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। अपने इस लिस्ट को डाउनलोड कर देते हैं, पूरे डाटा का एनालिसिस करते हैं कि क्या मेरिट रही है, कितने लोगों को रिजर्व रखा है, किन लोगों का रिजल्ट है वो रोका गया है, क्यों रोका गया है और किन का सिलेक्शन हुआ है, किन का नहीं सिलेक्शन हुआ है और क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रहे हैं। पूरी डिटेल के लिए एंड तक शॉर्ट साथ जरूर बने रही। वीडियो अगर आप पसंद है इसको लाइक करें, साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और पास मेरा बेल आइकन दबाएं ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी का फ्यूचर को भी मिस नहीं करोगे। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और इस लिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये लिस्ट डाउनलोड हो जाती है अपने सामने सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिस्ट है वो आ चुकी है, तो इस लिस्ट को अपने है वो डाउनलोड कर लिया है। तो लिस्ट को ओपन कर लिया है, ये लिस्ट है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आ चुका है। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार जयपुर, ये वैकेंसी है वो 2018 में निकली थी जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और सिंपल क्षेत्र की वैकेंसी थी, जिसमें अनुसूचित जो क्षेत्र था टीएसपी के जो कैंडिडेट्स थे उनकी शुरुआत में 522 पोस्टों के लिए वैकेंसी थी। उसके बाद में ये वैकेंसी है वो बढ़ाकर 617 पोस्टों के लिए कर दी थी। इस तरह से टोटल 617 पोस्टों के लिए वैकेंसी थी। अब अपने देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी गई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है फ्रेंड्स। इसमें लिखा गया है कि जो लिस्ट इन्होंने जारी की है उसमें कुछ माननीय न्यायालय के आदेशों एवं अन्य कारणों के कारण कुछ पद है वो उनको सुरक्षित रखा है, जिसमें टोटल 34 सामान्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 18, 12 टीएसपी एसटी के और 4 है वो टीएसपी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में रख लिया गया है। और इसके अलावा आपके जो परसेंटेज थे उनका 70% निकालकर और आपके जो बोनस मार्क्स थे उन सब चीज़ों को देखकर आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर बना दी गई है। अब देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट है उसमें मेरिट सूची आपकी क्या रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरिट है वो यहाँ पे अलग अलग रही है वो देख लेते हैं। जो टीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल है कैंडिडेट्स, उसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे 69.701 है वो रही है और डेट ऑफ बर्थ रही है 5/7/88 और महिला की रही है 54.473 डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे रही है 10/11/93 में। ये है वो सामान्य पुरुष की जो और महिला की जो मेरिट है टीएसपी की वो रही है। अनुसूचित जाति की है वो रही है 54.036 पुरुष की और अनुसूचित जाति महिला की रही है 51.624 ये रही है। और अनुसूचित जनजाति जो टीएसपी है पुरुष की 50.101 और महिला की 49.709 है। इस तरह से ये मेरिट लिस्ट है वो रही है। इस मेरिट से ऊपर परसेंटेज वाले जो भी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल है उन सभी का सिलेक्शन इस लिस्ट में हुआ है। इस लिस्ट में फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट भी इसमें दी गई है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी लिस्ट भी इसमें दी गई है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो नाम है वो किस जगह पे है। इसके अलावा आपको है वो प्रवेदना देने का भी ऑप्शन दिया गया है, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक पे आपको क्लिक करके और आप 30/11/2019 को शाम को 5 बजे तक है वो ऑनलाइन प्रवेदना दे सकते हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपनी जो गुहार है वो मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट है उसमें लगा सकते हैं। ऑफलाइन प्रवेदना नहीं है, ऑनलाइन प्रवेदना ही यहाँ पे मांगी गई है। कोई भी आपकी प्रवेदना कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें भेज सकते हैं। उसके बाद में ये लिस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स आ गई है और इस लिस्ट के बारे में अपने देख लेते हैं ज़्यादा कि क्या ये लिस्ट के बारे में आया है। ये प्रोविजन लिस्ट आ गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने देख रहे हैं इस लिस्ट को, जो लिस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो लिस्ट है जिसमें 617 पोस्ट थी तो इसमें टोटल 53 पेज की ये लिस्ट है। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी बात कर लेते हैं तो उसमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि टोटल जो यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इन्होंने रखा है वो यहाँ पर इन्होंने 546 जो कैंडिडेट्स है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। 617 पोस्ट में से 546 कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में जो जैसे मैंने ऊपर बताया था कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व रखा है। अनरिजर्व के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व रखा है वो 18 कैंडिडेट्स हैं।
और उसके बाद में जो टीएसपी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी कुछ कैंडिडेट्स को रिजर्व रखा है, जो टोटल 12 कैंडिडेट्स है। और एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो कुछ कारण या फिर जो कोर्ट के डिसीजन है उसके कारण है, 4 कैंडिडेट एससी के हैं उनको यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट है वो रोका गया है, विद हेल्ड किया गया है। तो ये 32 कैंडिडेट्स, सॉरी 37 टोटल कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट है वो यहाँ पे विद हेल्ड रखा गया है। इसके बाद में जो लिस्ट यहाँ पे आ जाती है फ्रेंड्स, आपकी जो लिस्ट यहाँ पे आती है पेज नंबर 37 से स्टार्ट होती है, वो नोट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। लिस्ट नोट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी टीएसपी में जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी का डाटा इन्होंने दे दिया है। तो आपका नोट सेलेक्टेड में है तो आपको खुश नहीं होना है क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन वाली जो लिस्ट है वो ऊपर रह गई है। ये इस तरह से यहाँ पे पूरे डाटा दे दिए हैं कि आप पे कितने परसेंटेज बने हैं, सारा पारदर्शी सिस्टम कर दिया है इन्होंने। इस तरह से इन्होंने सारी लिस्ट है वो यहाँ पे दे दी है। लास्ट में इन्होंने एक लिस्ट और दी है जिसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिजेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन, जिनका फॉरम अलग अलग कारणों से रिजेक्ट हुआ है, टोटल 19 कैंडिडेट उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही जो लिस्ट है वो जनरल्स की जो कैंडिडेट्स है नॉन टीएसपी के क्षेत्र की जो लिस्ट आएगी तो उसको भी मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा अपने चैनल पे। उसके लिए आपको करना ये है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रख लेना है ताकि नर्सिंग ट्रेंड का जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसकी सूचना को कभी आप मिस नहीं करोगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो का, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।